10,000 रुपीज़ जिन दोस्तों का बजट है वो कौन से इक्विपमेंट लेके अपना म्यूजिक प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो पे बहुत से कमेंट्स आए और उनमें से एक ये था कि अगर थोड़ा बजट ज्यादा है, 20,000 तक का अगर बजट है, तो कौन से इक्विपमेंट लेना बेटर रहेगा, ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। वेलकम टू माई चैनल, मैं हूं दर्शित नायक, एक इंडिपेंडेंट सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिक एंड वीडियो प्रोडक्शन फ्रीलांसर, अहमदाबाद गुजरात से। और इस चैनल पे हम ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जहां पे हम एक दूसरे की मदद करके जल्दी ग्रो कर सकते हैं और बिना किसी गॉडफादर के खुद के दम पे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो मैं जो 10,000 के बजट में जो मैंने सेटअप बताया है उसको लेके कुछ डाउट्स हैं लोगों के, वो क्लियर कर दूं। कुछ लोगों ने पूछा कि मिडी कीबोर्ड और स्टूडियो मॉनिटर्स के बारे में क्यों नहीं बताया। दोस्तों, वो वीडियो बनाने का पर्पज ही ये था कि अगर किसी की ये सिचुएशन है कि अभी वो 10,000 रुपए भी स्पेंड नहीं कर सकता, तो कौन से ऐसे इक्विपमेंट है वो लेके अपना काम तो एटलीस्ट स्टार्ट कर दे। तो ऐसे में मिडी कीबोर्ड की और स्टूडियो मॉनिटर की तो बात ही नहीं आती है। और शुरुआती दिनों में मिडी कीबोर्ड की जरूरत उन लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं है जो कीबोर्ड प्ले करना जानते ही नहीं है, तो फिर उसके पीछे 7-8 हज़ार रुपए क्यों स्पेंड करना है। और सिमिलरली स्टूडियो मॉनिटर, दोस्तों मैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि किन लोगों के लिए हेडफोन पे मिक्स करना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, तो आप प्लीज वो वीडियो देखिए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे उससे। इसलिए ना सिर्फ उस वीडियो में, मैं इस वीडियो में भी जहां पे 20,000 जिनका बजट है उनके लिए भी मिडी कीबोर्ड और स्टूडियो मॉनिटर्स रेकमेंड नहीं करने वाला हूँ। आपकी पहली रिक्वायरमेंट है आप माइक अच्छा खरीदिए, ऑडियो इंटरफेस अच्छा खरीदिए, हेडफोन्स में मिक्स करिए। और अगर मिक्सिंग और मास्टरिंग को लेके सीरियस हैं तो पैसे जोड़ना शुरू कीजिए सो दैट आगे 1-2 साल बाद आप अच्छे मॉनिटर्स खरीद सकें। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने फिजूल में बहुत पैसे खर्च किए हैं। शुरुआत में 800 रुपए का कभी माइक खरीद लिया, कभी 1,000 रुपए का माइक खरीद लिया, ना तो उसमें मुझे क्वालिटी मिली और ना ही वो लंबे टाइम तक चल सका। इसलिए भले थोड़े टाइम बाद इन्वेस्ट करो, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक क्वालिटी मीट होनी चाहिए उतना तो आपको लेना पड़ेगा अगर आप आगे जाके कमर्शियल वर्क करना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर 20,000 रुपए तक आप स्पेंड कर सकते हो तो क्या इक्विपमेंट ले अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक बनाने के लिए। और जो भी प्रोडक्ट मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट पिन कर दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और मैंने आपको ढूंढने में आसानी हो इसीलिए वहां पे अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं प्राइस वाइज। मेरे सेटअप के साथ साथ 10,000 रुपीज़ का सेटअप है उसका रिकमेंडेशन, 20,000 का सेटअप है उसका रिकमेंडेशन, 30,000 का सेटअप है उसका रिकमेंडेशन। और जैसे जैसे आगे मुझे इस तरह की रिक्वेस्ट आती रहेंगी मैं कोशिश करूंगा सभी के लिए वीडियो बनाऊं जहां पे मैं डिटेल में बताता हूं कि जो चीज लेनी है वो क्यों लेनी है। लेकिन तब तक अगर आप रिकमेंडेशन चेक करना चाहते हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है जिसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, इस बजट रेंज में कुछ पैकेजेस अवेलेबल है। एक तो है फोकसराइट कंपनी का फोकसराइट स्कारलेट सोलो बंडल और दूसरा है प्रीसोनस कंपनी का बंडल। फोकसराइट बहुत सेल कर रहा है और बिगिनर लेवल पे होम स्टूडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। एक बेनिफिट ये होगा कि बड़ी यूजर कम्युनिटी आपको मिलेगी, अगर कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है आप गूगल पे सर्च करोगे ऐसे बहुत से यूजर्स मिलेंगे जो ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्रीसोनस की कम्युनिटी अच्छी नहीं है या बड़ी नहीं है, लेकिन फोकसराइट के यूजर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं इसलिए आपकी छोटी से छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने के चांसेस ज्यादा है। इस बंडल में आपको मिलेगा फोकसराइट स्कारलेट सोलो ऑडियो इंटरफेस, 2 इनपुट मिलेंगे आपको, एक फैंटम पार के साथ आएगा जिसमें आप अपना कंडेंसर माइक कनेक्ट करके वोकल्स या फिर गिटार्स रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरा आपको लाइन इनपुट मिलेगा जिसमें आपका इलेक्ट्रिक गिटार हो गया, बेस गिटार हो गया, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली कनेक्ट करके ऑडियो इंटरफेस से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। हेडफोन आउटपुट के साथ आपको डायरेक्ट मॉनिटरिंग मिलती है जो फीचर बहुत ही कॉमन है सभी ऑडियो इंटरफेस में। इसके अलावा आपको इस बंडल में मिलेगा एक कंडेंसर माइक जिसकी क्वालिटी बिगिनर लेवल के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। और इस पैकेज के अंदर आपको हेडफोन्स मिल जाएंगे, तो अगर आप अभी अभी मिक्सिंग सीखना शुरू कर रहे हो आपके लिए ये सफिशिएंट रहेंगे। DAW का जहां तक सवाल है वो फोकसराइट के ऑडियो इंटरफेस के साथ आपको फ्री मिलेगा एबल्टन लाइव लाइट। इसके अलावा आपको प्लगइन का कलेक्शन जैसे कि फोकसराइट रेड प्लगइन सुइट और सॉफ्ट ट्यूब कंपनी का भी फोकसराइट के साथ टाई अप है, तो सॉफ्ट ट्यूब का आपको टाइम एंड टोन बंडल इफेक्ट्स का जो पैकेज है वो भी इसके साथ मिलेगा, जो आप अलग से अगर लेने जाएंगे वो $300 का पड़ता है। और जो लोग को इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं कर सकते वो भी म्यूजिक प्रोडक्शन का काम इससे इजीली स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ आपको मिलेगा 2 GB का लूप मास्टर का सैंपल पैक। इन लूप्स का यूज करके आप गानों की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकोगे और आपको शुरुआत में म्यूजिक प्रोडक्शन का काम सीखने में बोरियत नहीं होगी, आपका काम इंटरेस्टिंग बना रहेगा। और यहाँ पे मैं जो कीबोर्ड प्लेयर हैं उनके लिए एक स्पेशल पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी कीबोर्ड अवेलेबल है, जो पुराने कीबोर्ड आते थे मिडी कीबोर्ड नहीं, और उसमें जो पुराना मिडी पोर्ट आता था वो वाला अवेलेबल है जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, USB मिडी नहीं, ये वाला मिडी पोर्ट है अगर आपके पास, तो आपको फोकसराइट के बदले प्रीसोनस का बंडल लेना ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि फोकसराइट वाले इंटरफेस में मिडी आउट नहीं है,
प्रिसोनस वाले में है, लेकिन बाकी जो दोस्त हैं जो आगे जाके मीडी कीबोर्ड लेने का सोच रहे हैं या फिर जिनके पास ऑलरेडी मीडी कीबोर्ड है जिसमें यूएसबी मीडी पोर्ट है, वो लोग फोकसराइट का ऑडियो इंटरफेस लें। आपको वैसे भी मीडी कीबोर्ड डायरेक्टली कंप्यूटर में ही कनेक्ट करना है। इस पूरे बंडल की अभी अमेजोन पे प्राइस तकरीबन 18,700 के करीब है। इसके बाद आपको चाहिए होगा एक माइक स्टैंड जो कि इस पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको सेपरेटली खरीदना होगा। तो आप कोई 700-800 रुपए के करीब का माइक स्टैंड ले लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। पॉप फिल्टर इज अ मस्ट, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर कंडेंसर माइक ले रहे हो तो पॉप फिल्टर लेना ही लेना है। और अगर आप इलेक्ट्रिक गिटार या बेस गिटार आप यूज करना चाहते हैं तो आपको एक जैक टू जैक केबल भी सेपरेटली बाय करना होगा। XLR केबल बंडल में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो आपको सेपरेटली खरीदने की जरूरत नहीं है। दोस्तों कंप्यूटर की बात भी मैंने पिछले वीडियो में करी थी कि आपके पास जो भी सिस्टम अवेलेबल है आप अभी उसी से काम स्टार्ट कर सकते हो। अनलेस आपके पास बहुत हाई एंड वीडियो एडिटिंग का काम अगर आता है तभी आपको महंगे कंप्यूटर्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। बिगिनर लेवल पे म्यूजिक प्रोडक्शन का हम जो भी काम करते हैं वहां पे हमें उतने पावरफुल कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो मोर देन इनफ है। कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके पास कंप्यूटर भी नहीं है, मैं समझ सकता हूं। उन्होंने पूछा था कि मैं फोन से कैसे रिकॉर्डिंग कर सकता हूं। फोन का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी फोन में गाने बनाए नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि एक डेमो सॉन्ग बना सकूं कम्प्लीटली फोन पे ही और आपको बता सकूं कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, क्योंकि मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब कमेंट्स पे ऑफकोर्स बहुत से क्वेश्चंस रिसीव हो रहे हैं और अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैं कोशिश जरूर करूंगा कि जो भी एटलीस्ट जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो बहुत सारे लोगों को सिमिलर डाउट है, उसके ऊपर तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और बाकी हो सके उतने लोगों के डाउट्स मैं कमेंट्स के थ्रू क्लियर करूं। लेकिन अगर वक्त की पाबंदी की वजह से मैं सबको आंसर नहीं कर पा रहा हूं और किसी का बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ लोग जॉब छोड़ के म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं फुल टाइम, कुछ लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के म्यूजिक प्रोडक्शन कॉलेज जाने का सोच रहे हैं, इस तरह के जो सीरियस करियर ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, तो उन दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं अपनी वेबसाइट पे विच इज ऑफ ऑनलाइन कंसल्टिंग, जहां पे आपको आपके जो भी सवाल हैं वो मुझे डिटेल में भेजने हैं। मैं आपके लिए एक डेफिनेट एक्शन प्लान प्रिपेयर करूंगा और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपने उसे कंसिडर नहीं किया तो प्लीज आप जाइए डिटेल पढ़िए, शायद आपके काम आ सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी। बी गुड, डू गुड, सेरेंडिपिटी विल फॉलो।